जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक अल्टो केटेन गाड़ी है और इसको देख सकते हो आप, चाबी ऑन करने पे जो चेक इंजन की लाइट आती है वो नहीं आ रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, क्रैंकिंग करने पे स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है सेल्फ लेने पे, तो हम इसको चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। छोटू इसका बोनट खोलो और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, बंद कराना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीसरे नंबर का फ्यूज में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले ये तीसरा नंबर फ्यूज क्या है वो मैं आपको बॉक्स में दिखाता हूँ क्या चीज़ है, 15 एम्पियर के। अभी इसमें दिखाता हूँ मैं, शायद दिख जाए आपको, ये तीसरे नंबर का फ्यूज मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ये रहा, ये तीसरे एम्पियर में फ्यूज में क्या लिखा हुआ है, FI, देख सकते हो FI। इसका मतलब ये हो गया फ्यूल एंड इंजन, ये दोनों का मिक्सचर फ्यूज है ये 15 एम्पियर, एक 30 एम्पियर, एक 15 एम्पियर और एक 10 एम्पियर। तो ये बीच वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटू टॉर्च दिखाना यहाँ, ये देख सकते हो तीसरे नंबर का। तो इसमें ख़राबी है या नहीं तो हम फ्यूज को निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि अब हम ये तीसरे नंबर फ्यूज को निकालेंगे और यहाँ रखेंगे, उड़ा हुआ है क्या है, ज़्यादातर इसी फ्यूज में ही दिक्कत आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, टॉर्च मार के दिखा देंगे आपको उड़ा हुआ है या नहीं। छोटो इस पर टॉर्च लगाओ ना, फ्यूज पे इधर से पीछे साइड से मारो इस पर, हाँ इस पर मारो आराम से, थोड़ा सा दूसरे इधर से मारना, इधर से सामने की तरफ से, हाँ इधर से मारो फॉक्स, नहीं दिख रहा है सही, मैं फिर भी दिखा देता हूँ शायद दिख जाए। ये आप देख सकते हो उड़ी हुई है, देख सकते हो। तो मैं अभी फ्यूज लाऊंगा 15 एम्पियर का, तो उससे पहले 20 एम्पियर का लगा के देख लेता हूँ। यहाँ एक स्टॉक में 20 एम्पियर का रखा है ये, तो सही फ्यूज कैसे दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो सही फ्यूज में किस तरीके का है, उड़ा हुआ नहीं है, आपको दिख रहा होगा इसके बीच में जो तार दिख रहा है, ये उड़ जाने पे ही कहते हैं उड़ा हुआ और सही रहने पे सही। तो मैं इस पर ये लगाऊंगा और देखूंगा इससे लाइट आ रही है या नहीं। अभी मेरे पास 15 एम्पियर का नहीं है तो मैं ये 20 एम्पियर का डालूंगा और देखता हूँ बाकी क्या दिक्कत है वो बाद में देखेंगे, पहले लाइट आ रही है या नहीं ये देखना ज़रूरी है। तो मैंने ये लगा दिया, अब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं गाड़ी के अंदर आ गया, मैं चेक करूँगा, न्यूट्रल है कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हो इसका ये लॉक वाली लाइट भी आ गया और ये कई लाइटें आ गया, और मेन इंजन की जो लाइट है चेक इंजन की ये नहीं आ रही थी, ये येलो वाली ऊपर वाली जो दो रेड के नीचे ये नहीं आ रही थी, अब ये आ गया। तो हम देखेंगे स्टार्ट करके स्टार्ट हो रहा है या नहीं। जैसे कि देख सकते हो स्टार्ट हो गया और गाड़ी के सारे लाइटें ऑफ हो गया, बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट हो गई। तो ये उड़ने का रीज़न क्या है, अच्छे खासे गाड़ी में ये फ्यूज उड़ने का क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है। जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट है, आपको दिख रहा होगा ये बेल्ट वगैरह घूम रहा है, इससे पता लग रहा होगा कि गाड़ी स्टार्ट है, क्योंकि ऐसे तो नहीं पता लग रहा है लेकिन यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि इंजन स्टार्ट है, ठीक है। हाँ अब साउंड थोड़ी बहुत आ रहा होगा, बाकी इसका उड़ने का रीज़न क्या है, तो इसका उड़ने का रीज़न ये है कि इसके अंदर CNG लगी हुई है बाहर से, तो CNG लगी हुई होने के कारण कई बार टंकी में फ्यूल कम रहता है, तो टंकी में फ्यूल कम रहने के वजह से पंप गर्म हो जाता है, फ्यूल पंप, और वो गर्म होने से इसका फ्यूज उड़ जाता है, इंजन पर लोड पड़ता है, इस वजह से उड़ गया था। तो हमने फ्यूज लगा दिया और गाड़ी वाले को समझा देंगे कि इसमें पेट्रोल थोड़ा फालतू रखें, पेट्रोल कम है, आप भी शायद देखे होंगे एक बत्ती ब्लिंक कर रहा है, इससे ये है कि पेट्रोल कम है तो मोटर गर्म हो जाता है, गाड़ी CNG लगी हुई है इस वजह से उड़ गया था। और ये गाड़ी इन्होंने खींच के लेके आया दूसरी गाड़ी से टोचन करके और गाड़ी यहाँ पे छोड़ के गया। अब हमने चेक करा, इसमें और छोटे छोटे कई काम है, बोला इसको सही कर दो, ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसके अंदर डेंट पेंट का भी काम हो रहा है और कई काम है,
तो पहले ये स्टार्टिंग का काम था, फिर उसके बाद डेंटमेंट होना है। तो ये है मेन प्रॉब्लम। ऐसे कि आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।